नमस्कार, मैं भाव्या, आप देख रहे हैं इन्फो न्यूज भारत। अभी हमारे साथ जेबी केसेस के कुछ समर्थक जुड़े हैं और वो इस मामले में अपना समर्थन यहाँ प्रस्तुत करने आए हैं, तो अभी हम लोग इनसे जानेंगे कि आखिर पूरा मामला है क्या और इनके समर्थन देने के पीछे क्या उद्देश्य है, आप बताएं। देखिए, बूढ़ा खाप में जो ये आंदोलन चल रहा था, लगातार कई महीनों से चल रहा है और लगातार गाँव के लोगों ने ये साफ तौर पर कहा कि जो वहाँ से प्रदूषण फैल रहा है उससे कई तरह की बीमारियाँ फैल रही हैं। साफ तौर पर लोगों ने कहा कि जो डीप बोरिंग किया जा रहा है उससे ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो नीचे चला जा रहा है। उसके बाद जो वहाँ पर डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जंगल की कटाई हो रही है, उसका भी लोगों ने विरोध किया कि यहाँ पर जंगल की कटाई नहीं होनी चाहिए। बाकायदा आप लोगों ने देखा होगा कि रक्षा सूत्र बांधा गया था वहाँ के पेड़ में कि हम जंगलों को नहीं कटने देंगे। तो एक इतना बड़ा आंदोलन जो महीनों से चल रहा है, गाँव के लोग ये कह रहे हैं कि आलोक स्टील से, रुंगटा से हम लोगों को नुकसान पहुँच रहा है, तो फिर सरकार के लोग, प्रशासन के लोग ये बात को क्यों नहीं सुन रहे हैं, ये एक पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि इस विषय को लेकर के हम लोगों ने कई जगहों पर लिखा, बाकायदा मैंने भी लिखा, मैंने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को लिखा। वहाँ पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने रीजनल डायरेक्टर के ऑफिस को लेटर भेजा कोलकाता में कि बूढ़ा खाप में जो ये स्थिति हुई है प्रदूषण को लेकर के, उसको ठीक किया जाए और वहाँ पर ग्रामीणों की क्या मांग है उसको पूरा किया जाए। लेकिन आप देखिए, शासन प्रशासन, यहाँ के जनप्रतिनिधि, नेता, जितने लोग हैं, सबकी मिलीभगत हो जाती है कंपनी से और गाँव वालों की बात नहीं सुनी जाती है। क्या ये बात की सच्चाई नहीं है कि जो एक बच्चे की मौत हुई थी, वो बीमारी कैसे हुआ था उस बच्चे को? ये बात कई लोगों ने कहा कि प्रदूषण के कारण उस बच्चे को वो बीमारी हुई। तो ये बात प्रशासन और सरकार तक नहीं पहुंची ये बात, और नहीं, नहीं, पहुंची तो क्या बोली उन्होंने? नहीं, नहीं, सब तक पहुंची है, लेकिन जो ये कंपनियों का जाल है, जो उनका पैसों का जाल है, जो वो प्रशासन शासन के लोगों को खरीद लेते हैं, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, नेता हैं, जो यहाँ के सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, वो इन मुद्दों पर गंभीर नहीं हैं। और जब तक वो इन मुद्दों पर गंभीर नहीं होंगे, तो सरकार और प्रशासन तक जो आधिकारिक तौर पर जो बातें जानी चाहिए वो नहीं जा पा रही है। आप यहाँ पर जो इस एरिया के जो सांसद हैं, आप देखिए क्या इस मुद्दे पर वो कुछ बोलते हैं, चुप रहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब यहाँ पर जन मुद्दों की बात होती है, जनता के जनहित की बात होती है, तो लोग चुप्पी साध लेते हैं। आज इतने लोग बूढ़ा खाप से पैदल जा रहे हैं और राजभवन की तरफ मार्च कर रहे हैं, क्या ये तस्वीरें लोगों को नहीं दिखाई पड़ रही है? लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि ये पसीने की हर बूंद इतिहास को बदलेगी और ये बूढ़ा खाप का जो मांग है ये जब तक पूरा नहीं होगा तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा और हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है। अगर स्थानीय सरकार इस पर कुछ नहीं कह रही है, तो राज्य सरकार, आपको क्या लगता है, इस पर कोई कार्रवाई करेगी? और अगर करेगी तो ये आप लोग कल जाकर के कल विधानसभा का घेराव करने वाले, वहाँ पे अपना नोटिस देने वाले हैं, उससे क्या असर प्रभाव उन लोगों में पड़ सकता है? देखिए, हम लोगों के पास एक रास्ता है कि हम लोग एनजीटी के पास चले जाएं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पास। अगर वहाँ पर जाएंगे तो हो सकता है वहाँ से कोई रास्ता हो। हम लोगों ने बातचीत किया है कि हम लोग एनजीटी के पास जाएंगे। फिलहाल जो हम लोगों ने कंप्लेन दर्ज किया है वो हम लोगों ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास दर्ज किया है। बकायदा मैंने 3 पन्नों में पत्र लिखा और वो पूरा हमने डिटेल्स भी दिया है उनको, उसका जवाब भी मुझे आया है, जवाब मांगा गया है कंपनी से। दूसरा एक सवाल ये बनता है कि अगर ये लोग नहीं मानते हैं तो हम लोग हाईकोर्ट का रास्ता अख्तियार करेंगे। हाईकोर्ट से हम लोग कहेंगे, देखिए, एक आम आदमी का ये अधिकार है कि वो सम्मान पूर्वक तरीके से अपनी जिंदगी को जिए, उसको स्वच्छ वायु मिले, उसको स्वच्छ हवा मिले, ये उसका एक मौलिक अधिकार है। ये हमारे राइट टू लाइफ को प्रभावित कर रहा है, जीने के अधिकार को प्रभावित कर रहा है। हमारा पानी प्रदूषित हो रहा है, लोग वहाँ पर बीमार हो रहे हैं, वायु प्रदूषित हो रहा है। मैं एक और सवाल पूछना चाहती हूँ कि जैसे कि वहाँ पे वो फैक्ट्री आज से या फिर 3-4 साल पुरानी तो है नहीं, वो फैक्ट्री 20-25 साल पुरानी नहीं है, सरकार अगर इस पे कुछ कह भी दे तो आपको लगता है क्या कि वो फैक्ट्री वहाँ से हट जाएगी या फिर वो सिर्फ नियंत्रण करेगी अपने ऊपर? देखिए, एक बात समझिए, इन कंपनियों को जब लगाया जाता है तो उनकी ये रिस्पांसिबिलिटी होती है कि सीएसआर के तहत वो काम करें, जिसको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी कहते हैं। तो अगर वो सामाजिक उत्तरदायित्व को नहीं निभा रहे हैं, वो प्रदूषण कैसे कम होगा, लोगों का इलाज कैसे होगा, लोगों को वहाँ रोजगार कैसे मिलेगा? क्या ये कंपनियां 75% रोजगार भी स्थानीय लोगों को दे रही हैं? और इन सारे बिंदुओं का ख्याल रखना होता है कि उस एरिया में जो भी अफेक्टेड एरिया है, जो लोग प्रभावित हैं वहाँ के स्थानीय लोग, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाए। क्या आप धुआं छोड़ेंगे, प्रदूषण छोड़ेंगे, लोग बीमार होंगे और आप ख्याल नहीं करेंगे? और जब लोग बीमारी से मरने लगेंगे, लोग विरोध करते हैं, तो आप कहते हैं कि केस कर देंगे, मुकदमा कर देंगे, 353 की धारा लगा देते हैं। आप देखिए, कई लोगों पर केस हुआ, कई वहां पर यूट्यूबर ब्लॉगर के ऊपर केस हुआ, लोगों को पुलिस ने उठाया घर से। मैं ये कहना चाहता हूं कि वहां पर लोगों की जिंदगी प्रभावित हुई है, जो हमारा जीने का अधिकार है वो हमारा प्रभावित हुआ है, और कहीं ना कहीं वहां पर लोग बीमार हो रहे हैं। आज वहां पर जो पीने का पानी है वो लाल हो गया है। आप देखिए, वहाँ पर जो फसल लगाते हैं पूरा काला परत जम जा रहा है, हम लोगों ने तस्वीरें जाकर के देखी हैं। तो इतनी भयावह स्थिति है, क्या ये तस्वीरें लोगों को नहीं दिखाई पड़ रही है? इसलिए हम लोग ये कह रहे हैं कि इस बात को मानना होगा, और चाहे वो बूढ़ा खाप की बात हो, चाहे रुंगटा की बात हो,
चाहे आलोक स्टील की बात हो, इस पूरे इलाके में एक प्रदूषण का एक बहुत बड़ा जाल फैला है और इससे जनजीवन प्रभावित हुआ है और इसको ठीक करना होगा। हाल में बड़कागांव में भी इसी तरह के प्रदर्शन हुए थे लोगों के द्वारा, उस पर आपका क्या मत है? देखिए, बड़कागांव में जब 2008 में NTPC आया तो ये कहा गया था कि यहाँ के लोगों का जन कल्याण होगा। आज बड़कागांव की हालत क्या है, बड़कागांव देखिए कितना प्रदूषण से घिर गया है। अब अडानी वहाँ पर गोंदलपुरा में जमीन लेना चाहती है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब कंपनियां लगती हैं, जब जमीन लिया जाता है, तब ये कहा जाता है कि स्थानीय लोगों को हक अधिकार मिलेगा, रोजगार मिलेगा, उनका जीवन स्तर जो है ऊंचा उठेगा। लेकिन क्या हमारा जो यहाँ के गांव के लोग हैं, जो उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है, क्या वो ऊपर उठा? क्या उनको रोजगार मिला? उनको मिला होगा मजदूरी का कुछ थोड़ा बहुत काम, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार ने जो विधेयक बनाया कि निजी क्षेत्र की कंपनियों में 75% नौकरी स्थानीय लोगों को होनी चाहिए, क्या ये हुआ? इसलिए हम कहना चाहते हैं कि जो भी कंपनियां यहां पर स्थापित हो रही हैं, चाहे अडानी की बात हो, चाहे KTPC की बात हो, चाहे NTPC की बात हो, चाहे आप आलोक स्टील की बात कर लिए, चाहे BSL की बात करिए, चाहे MPL की बात करिए, झारखंड में जो भी कंपनियां स्थापित हुई हैं, यहां पर लोग विस्थापित हुए हैं और लोगों के विस्थापन के दंश का जो दर्द है वो सरकार और प्रशासन के लोग नहीं सुन रहे हैं। और विस्थापन के बाद लोग रोजगार मांगते हैं तो उन पर गोलियां चलाई जाती हैं, उन पर केस मुकदमा किया जाता है। आखिर झारखंड के लोग कब तक ये सहते रहेंगे? जल जंगल जमीन की लड़ाई यहाँ वर्षों पुरानी है, लेकिन आप अगर जमीन ले रहे हैं तो रोजगार का रास्ता खोलिए। आप अगर जमीन ले रहे हैं तो उनके हेल्थ का ख्याल रखिए। आप किसी के स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखते हैं, किसी का शिक्षा का ख्याल नहीं रखते हैं, आप CSR से कोई काम नहीं करते हैं। CSR से छोटा मोटा कोई काम होता है, कहीं लाइट लगा दिया, पंखा लगा दिया, एक RO लगा दिया, CSR का काम हो गया। क्या यही CSR है? CSR ये होता है कि कैसे प्रदूषण कम होगा। और आपको मालूम होगा कि ये लोग प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मिल करके NOC ले लेते हैं और उसके बाद कहते हैं कि हमें तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने NOC दे दिया है, हम तो कंपनी चलाएंगे, जो करना है करिए। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि चाहे वो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हो, चाहे झारखंड सरकार हो और चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सबको इस विषय पर गंभीर होना होगा, क्योंकि जो जलवायु का मसला है, प्रदूषण का मसला है, ये आप जानते हैं कि समवर्ती सूची का विषय है संविधान में, तो केंद्र और राज्य दोनों इस पर निर्णय ले सकते हैं। इसलिए अगर ऐसा कुछ फैसला लेना पड़ा तो हम लोग हाईकोर्ट भी जाएंगे, हम लोग NGT के पास भी जाएंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग सरकार से ये विनती कर रहे हैं कि हे सरकार, गांव के लोगों की ये बात मान लीजिए, ये जो मार्च निकला है, ये जो पसीना निकला है, ये आप लोगों तक संदेश पहुंचाने के लिए निकला है, और ये संदेश अगर आप लोगों के कानों तक नहीं पहुंच रही है तो ये आंदोलन उग्र होगा। हम लोग अभी राजभवन जा रहे हैं और वहां राजभवन में राज्यपाल महोदय से हम लोग विनती करेंगे कि हमारी मांगों को मानिए, नहीं तो ये आंदोलन बहुत उग्र होने वाला है। अच्छा, मैं एक आखिरी सवाल ये पूछना चाहती हूँ, इस मुद्दे से थोड़ा हट करें, जैसे कि आप JBKSS के समर्थक भी है, एक तरह से कह सकते हैं सदस्य भी है, तो क्या हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि अगले साल इलेक्शन आने वाला है, तो क्या ये एक राजनीतिक कदम है आप लोग की तरफ से या फिर सिर्फ मुद्दा उठाया गया है? देखिए, आपको ये बात मैं बताना चाहता हूँ कि झारखंड में जल जंगल जमीन की लड़ाई सिर्फ इलेक्शन के समय नहीं होती है। और ये जो लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन के समय ये सारी बातें आ रही सामने, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जन मुद्दों की बात है, झारखंड के लोगों के जन जीवन को बेहतर करने की बात है। क्या आप लोगों से पूछिए, क्या किसी को कुछ पैसा दिया गया है? क्या लोगों के लिए कुछ गाड़ियों का हम लोगों ने इंतजाम किया है? लोग पैदल चल करके आ रहे हैं, इस धूप में पसीना बहा रहे हैं और 70-70 किलोमीटर, 50-50 किलोमीटर पैदल चल करके आ रहे हैं। हमारी माँ बहन लोग पैदल चल करके आई हैं, तो क्या उन लोगों को कोई हम लोगों ने सुविधा दिया? नहीं दिया। उन्हें दर्द है, पीड़ा है, वो अपनी पीड़ा को सरकार के समक्ष रखना चाहते हैं, लेकिन इस पीड़ा को कोई सुन नहीं रहा है। मैं साफ तौर पर A4 न्यूज भारत के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ये पॉलिटिक्स को लेकर, राजनीति को लेकर कोई एक रास्ता नहीं है। हम लोग जनमुद्दों की बात कर रहे हैं, चाहे वो कभी भी उठाना पड़े, दिन रात उठाना पड़े, जब भी उठाना पड़े, हम लोग जनमुद्दों की आवाज को उठाते रहेंगे और जनमुद्दों की आवाज को उठाने के लिए जिस मोर्चे पर, जहां पर भी, जिससे भी हम लोगों को लड़ना पड़ेगा, हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। जनता की आवाज नहीं दबने देंगे। जी, अभी हम लोगों ने इनसे बात की और जाना कि आखिर समस्या क्या क्या है, वहाँ पे क्या क्या समाधान होना चाहिए। ये जन मुद्दा है, ये लोगों के द्वारा उठाया गया एक जन मुद्दा है। पार्टी का तो यहाँ पे कोई लाभ नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर ये इससे लोगों का लाभ होता है तो ये बहुत अच्छी बात है। और आप ये लोग जा रहे हैं विधानसभा में नोटिस देने, इस पर हम यही उम्मीद करते हैं कि लोगों के हक में सुनवाई हो।